गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आर क्रेजी रिएक्शंस ऑफ योर न्यू टू दिस चैनल। हाय माय नेम इज विदांशु। माय नेम इज संदीप। जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट खान सर। तो खान सर की ये न्यू वीडियो मतलब की हमें जो दिखी है एक हफ्ता पहले ही आई है इस चैनल पे, और इस वीडियो का टाइटल है CBSE वाला अजब ही प्राणी होता है, खान सर फनी मोमेंट्स, ओ माई गॉड ससुरा ठंड मार दिया इसको। तो वही CBSE और स्टेट बोर्ड का वही काफी मजा लेते हैं ये CBSE वालों का। पर और इनका मतलब होता है CBSE, जैसे हमें आप लोगों ने बताया था कि मतलब इसका इनका मतलब होता है कि शहर में रहने वाले और ऐसे मॉडर्न बड़े और वो टाइप, और स्टेट बोर्ड का मतलब कि गांव में रहने वाले और ये सब देसी बंदे। हाँ ऐसा नहीं है, पर हम CBSE से हैं पर हम पूरे देसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा मजा और फनी करने के लिए ये चीज बोलते हैं, तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो देखते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। महिला को देखेंगे ना मार यही जैसे काट लेगी भाई, पिछुओं को काट देंगे और शादी ब्याह में लहराएगी, और उसका पति बेचारा कहीं कांप रहा है। ओ माय गॉड क्या हो गया आपको। उसकी पत्नी उठा के ले जाएगी, ठंडा मार दिया इसको। महिला दिवस, ओ माय गॉड गड़बड़ हो गया। CBSE वालों को देखिएगा ना, सुबह उठेगा तो चश्मा अजीब रहता है उसको। CBSE वालों से जब कभी झगड़ा होता आप उसे मारिए नहीं, बस थोड़ा दूर दौड़ा दीजिए। आप ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ज्यादा मौजूद रहते हैं। जब आज महिला दिवस हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस बैठ जाइए। हम आज तो रिस्पेक्ट दी है, आज कुछ बोले हैं सारे लोग लाइव क्लास ऑफलाइन सब लोग को हैप्पी वीमेंस डे। आप सब लोग लड़की लोग भाई आज आप लोग का दिन, आज कम से कम आज तो टाइम से आती है आप लोग। सबको हर चीज समझाना पड़ता है इसको। पिछले जन्म में हमको लगता है ये पुरुष नहीं था। आज महिला दिवस नहीं तो बताते ही क्या था करके रखते हैं। जिसमें बसा होता है अच्छा, उसका शरीर क्या होता है सुंदर होता है, ठंड से क्या करता है बचा के रखता है। महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में 20% ज्यादा होता है। बहुत कम खाती है इस लड़की से महिला। अगर किसी महिला को बस आप 4 दिन टोक दीजिए, मोटी हो रही हो मोटी हो रही, बस वो MWF में खाएगी, TTS में छोड़ देगी उसको। मतलब एक दिन खाएगी एक दिन गैप कर। उनको कभी भी अपने आप को मोटा ये उम्र दराज या फिर बदसूरती सब सुनना पसंद है नहीं, तो उनमें वसा ज्यादा पाया जाता है। इस वसा से महिलाओं को एक फायदा ये हो जाता है कि उन्हें ठंड कम लगता है। वसा जो है ठंड को रोक देता है। पुरुष को देखिएगा ना मार कपड़ा उपड़ा पहन के ठिठुरते रहता है, अब महिला को देखिएगा ना मार यही जैसे काट लेगी भाई पिछुओं को काट देगी। और उसका पति बेचारा कहीं काम रहा है। नहीं मरेगा तुम क्यों, क्योंकि पति में वसा कम है। महिला में वसा क्या होता है अच्छा खासा होता है, किसी वसा को फैट है ना। अच्छा आज महिला दिवस है। गड़बड़ हो गया सच, ये हम मजाक नहीं बना, ये सीरियस बता रहे हैं। महिलाओं को ठंड कम लगता है समझा क्या। आप देखिए पैंट तो ससुरा बहुत मोटा होता है, महिला सबको देखिएगा आराम से फतिंगा ऐसा कपड़ा पहन के अजब हाल है भाई। पुरुष तनी तनी शादी में ला रहा है ना पुरुष, टांग के जाएंगे वो। ओह माय गॉड क्या हो गया आपको। उसकी पत्नी उठा के ले जाएगी, ठंडा मार दिया इसको। ऐसे होता क्या है, वसा रहेगा ना तो शरीर मतलब क्या होता है, एक और खराबी होती है अगर वसा ज्यादा हो जाएगा ना तो शरीर मतलब मजबूत नहीं, मतलब नहीं बोलते थूल थूल टाइप का हो जाता है, बहुत अजीब टाइप का हो जाएगा, मतलब CBSE बोर्ड वाला टाइप का। CBSE वालों को देखिएगा ना सुबह उठेगा चश्मा उनसब में वसा बहुत ज्यादा होता है, अजीब रहता है उसको। CBSE वालों से जब कभी झगड़ा होता आप उसे मारिए नहीं, बस थोड़ा दूर दौड़ा दीजिए। आप जग ओ माय गॉड ओ माय गॉड चल जाएगा। ऐसे सारे नहीं होते हैं CBSE बोर्ड का। हाँ देख खड़ा हो, देखो उसको वसा है उसमें लेकिन जिम लग रहा है किया है।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। वसा का काम भी अच्छा है, ठंड से बचा देता है, शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, चोट से बचाता है। जिम वगैरह करिएगा ना तो खिला पिला के आपको खूब क्या करेगा, वसा बना देगा, पूरा शोल्डर वोल्डर एकदम सिक्स पैक बना देगा। अब हम लोग का तो सोच रहा फैमिली पैक हो गया है पेट निकल रहा है, सोच रहा सिक्स पैक को गोली मारो यार है कि नहीं यार। तो उसमें क्या हो जाता है, सिक्स पैक हो जाता है, वसा पूरा, वसा जब भर जाता है तो जिम करके उस वसा को क्या करता है, एकदम शरीर में टाइट कर देता है, जिसको लोग कहते हैं कट्स हो गया। अब उसको मारेंगे ना तो सारा चोट किस पे लग जाएगा, वसा पे। अब हम लोग को कोई मार देगा फेफड़े पे लग गया, जा काम खत्म यहाँ है, कौन चीज को हड्डी के अंदर फेफड़ा बचल है वो बुढ़ौती में सब वसा झड़ जाएगा, फेफड़ो झूल जाएगा इनसे दिक्कत हो जाए। वसा पूरे शरीर को अंदर से पकड़ के इंटरनल भी चमड़ा रहेगा, ऐसा नहीं जैसे किडनी भी है, किडनी ऐसे नहीं घूम रहा है, किडनी में भी एक तो बाहर क्या लगा है, चमड़ा लगा है, पेरिटोनियम। हृदय के बाहर है तो उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियक। फेफड़ा में है तो क्या कहेंगे, प्लूरा मेम्ब्रेन। तो ये हर टाइप की झिल्ली होती है। ब्रेन भी है ना, तो ब्रेन भी ऐसे भेजा ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे तो पता चला वो ऐसे ऐसे मार देंगे भेजा को तो कान में से बह जाएगा, कोई कहे क्या बह रहा है और भेजा बह रहा है वापस, दिक्कत हो जाएगा ना, वो आ जाएगा सब इधर उधर से। किडनी उडनी भाई सबको आराम से क्या किया गया, पैक करके रखा गया। तो मेनिनजाइट नाम के झिल्ली में किसको पैक किया गया है, ब्रेन को। और किसी को एक बांस हुमच के मार दीजिएगा तो झिल्ली पे चोट लग जाता है, मेनिनजाइटिस हो जाता है, जा मर जाएगा। तो ब्रेन का हर चीज, बॉडी का हर चीज अंदर से भी क्या है, पैक है, और बाहर से भी क्या है, पैक है। तो वो सारा चीज कौन बनाता है, उपकला यानी इपिथिलियल उत्तक बनाता है। जीभ पर परत किसकी लगी है, इपिथिलियल की। कभी कभी आदमी गरम चाय पी लेता है, देखते हैं गरम चाय पिएगा दगा जाएगा, अब उसको समझे में नहीं आएगा टेस्ट क्या, ऐसे बकोटते रहे पूरा दिन रहता है वो, सोचो एक हफ्ता तक वो परेशान रहे। आप अपना गाल को टच करके देखें इस साइड में, तो वहां एक पतली झिल्ली लगी होगी, वो भी सब किसकी बनी है, इपिथिलियल। कभी कभी वो झिल्लिया कट जाता है, खाने में दाब देगा ये सब कट जाता है। इसे मसूड़ा वगैरह के ऊपर की जो परत है, ये क्या सीधे मांस है, नहीं, वो भी किससे, इपिथिलियल से। ये बहुत प्रोटेक्शन देता है। आ कभी कभी लड़का सब ब्रश करते करते मच के थूर देता है, बेचारा एक और का जख्मी कर लिया उसको, ब्रश करता है लड़का सब ब्रश को झाड़ू बना देता है। असल में उसका झाड़ू बनता किससे, ब्रश करेगा ना वही में उसका फोन आ जाएगा, तो दतवा से दाब लेगा ऐसा, हाँ बोलो दाते से दाब देगा तो पसर जाएगा, इसीलिए दिक्कत हो जाता है वहां पे, समझ में उसमें ये सारी परत किस चीज की रहती है, इपिथिलियल। यार मैंने देखा कि ज्यादातर ना ये साइंस के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाते हैं, है ना, साइंस वगैरह, मैथ्स वगैरह, और हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, इतिहास वगैरह, है ना, सब कुछ पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी, पर साइंस मैंने ज्यादा देखा है, और इनको तो मेरे ख्याल से साइंस पसंद है, उसमें मजाक भी बड़ा करते हैं, साइंस में मजाक लड़के करते लोग झाड़ू बना देते हैं अपने ब्रश का, और वो वाला भी कि स्लीपलेस और बैकलेस, वो बहन कहते हैं पहले हमने वीडियो की थी उसमें, वो उन्होंने बोला था कि वो बैकलेस करती है और एयरपोर्ट बनाया होता है ऐसे पूरा करके, और मतलब की काफी, और ऊपर से जो ये बात जिस दिन ये लेक्चर ले रहे थे, ये उस दिन वीमेंस डे था, इंटरनेशनल वीमेंस डे, तो पिछले हफ्ते की बात है ये, और ये काफी अच्छा मजाक करते हैं, और इंटरेस्टिंग इनकी क्लास हमेशा ना इंटरेस्टिंग रहती है, मैं हमेशा सोचता हूँ इनकी क्लास अगर कभी मौका लगा ऑफलाइन लगाएं, हाँ ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो हम देख सकते हैं, पर वो कभी मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा, और जब तक हम कहीं जाने के वहां जैसे घूमने के लायक होंगे तब तक हमारी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई होगी, तो डेमो क्लास लगा लेंगे, कोई भी लगा सकता है, डेमो क्लास लगाने में क्या है, जब अगर हम इन फ्यूचर 10 साल बाद अगर हम हमारे पास नौकरी वगैरह होगी तो हम घूमने फिरने जाएंगे, तो है ना, तो हमें तो काफी ये पसंद है, और खान सर हमारे फेवरेट हैं, और हमें उनकी बातें काफी पसंद है, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी पसंद है, और आपको भी पसंद आई तो वीडियो खान सर के लिए एक लाइक जरूर बनता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।